आज का वीडियो मिला रहेगा बैंक निफ्टी निफ्टी और डाउ जोन्स का। हम लोग चार्ट थोड़ा सा देखेंगे कि आगे डाउ जोन्स का चार्ट क्या कह रहा है, यूएस का मार्केट का सोचेंगे और आज एजीआर के मामले के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, फिर मॉडरेटोरियम पूरे ईयर को लेकर के हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बैंक निफ्टी की। कल आप लोग ने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि आप लोग अगर कैंडल में देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसा कि कल मार्केट ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी में, प्लस 500 का ओपनिंग हुआ मार्केट, सबसे पहले ओपन हुआ प्लस 500 के बाद इसने प्लस 200 का और मूवमेंट दिया, 24,230 के आसपास इसने अप लगाया। लेकिन कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई थी मार्केट को लेकर के, ये कि इंडो चाइना को लेकर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी बॉर्डर पे, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा करेक्शन हम लोग को सेम डे कल ही के दिन में मिला। जो बैंक निफ्टी प्लस 700 पॉइंट जा चुका था, उसने माइनस 1800 टच किया कल मार्केट, इतना डाउनफॉल हो गया था। इतना बैंक निफ्टी में अभी तक का फॉल हमने बिल्कुल भी नहीं देखा है, क्योंकि इतना फॉल होना बहुत बड़ी बात होती है एक दिन में, 1800 पॉइंट्स का फॉल होना प्लस जा करके, वो भी गैप ओपनिंग के दिन। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को 24,400 के पास मिला हुआ है, जिसके बाद बैंक निफ्टी ने 2:30 के आसपास कल के दिन ही इसने रिवर्स किया, रिवर्स मारा, अच्छा मूवमेंट दिया, 380 पॉइंट्स के करीब इसने कवर भी किया कल। और अगर आज हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन 24,100 के पास काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी वहाँ पर मूवमेंट में नहीं आया, बैंक निफ्टी ने वापस सेल लो मार दिया। तो लेकिन फिर आप लोग देख रहे हैं 23,400 के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, तो बैंक निफ्टी हालांकि 23,400 आज टच नहीं किया, लेकिन 450 से ही इसने रिवर्स कर दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सपोर्ट काफ़ी अच्छा बन चुका है। अगर हम लोग डाउनसाइड अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी में, तो हम लोग को डाउनसाइड देखने को तभी मिलेगा अगर बैंक निफ्टी ये लेवल अगर तोड़ता है तब। अगर बैंक निफ्टी ने 23,400 के लेवल को अगर तोड़ दिया, तो एक बहुत ही बड़ा हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं मार्केट में, सीधे 400-450 पॉइंट का हम लोग बिल्कुल डाउनफॉल देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 23,400, जो कि आसानी से टूटने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम लोग ऊपर में देखें तो बैंक निफ्टी इस ये सर्कल में काम कर रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स में काम कर रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि जल्दी बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगा। 24,110 के आसपास आते हैं तो बैंक निफ्टी वापस लो मारना चाहिए, हमें ये लगता है। अगर ये लेवल अगर ऊपर तोड़ता है तो फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी चाइना को लेकर काफ़ी शोर हुई है, मॉरेटोरियम पीरियड को लेकर के हुई है, ऊपर से AGR का भी फिर से आ गया है रिजल्ट, उसको लेकर के भी हो गई है, तो हमें नहीं लगता कि मार्केट अभी ज़्यादा ऊपर जाने वाला, इसी रेंज में हमें लगता है मार्केट घूमेगा। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम लोग चलिए निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, तो निफ्टी 50 का अगर हम लोग चार्ट देखें अगर, तो एक कल इसने भी काफ़ी अच्छा लो बनाया है निफ्टी, क्योंकि आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को एक चीज़ हम ज़रूर बता दें, तो इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी है कि इंडियन मार्केट अभी तक ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि जब से ये कोरोना आया था, जब से ये पेंडेमिक हुई है, तब से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये इस मंथ के, ये चार मंथ्स के। सबसे बड़ी रीज़न आती है कि ना तो वो अभी तक कोरोना के केसेस पेंडेमिक ख़त्म हुए हैं वर्ल्ड वाइड में, ना तो इंडियन में सही हुआ है, तो और GDP ऊपर से आप लोग देख रहे हैं कि ये मनी कंट्रोल का न्यूज़ है, -23.9%, यानी कि अप्रोक्स हम लोग -24% GDP का गिरावट हुआ है, जो कि अभी तक का सबसे गंदा गिरावट है, सबसे वर्स्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है कि जब इतने मार्केट जब GDP गिर चुका है, तो आखिर ऐसा मार्केट में हो क्या रहा है जो कि मार्केट इतना ऊपर ही जा रहा है अपसाइड के ऊपर। तो आप लोग को मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग अभी कुछ दिन मार्केट से दूर रहिए, अगर आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, क्योंकि US में इलेक्शन होने वाला है, और US में इलेक्शन अगर होगा तो ट्रंप डेफिनेटली चाहेगा कि वो जीते, क्योंकि US में अभी तक रिकवरी रेट अच्छा नहीं है, तो ट्रंप यही चाह रहा है कि मार्केट उसका अच्छा रहे। और जो भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि US मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जापान के हो गए, चाइना के हो गए, और भी अदर FII जो है वो सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। अब डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है कि अगर इंडियन मार्केट में पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, इतने बड़े FII करेंगे पैसा इन्वेस्ट, तो डेफिनेटली सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि मार्केट को ऊपर जाना ही है, लेकिन आप लोग को बिल्कुल सचेत रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है, मार्केट कभी भी डाउनफॉल दे सकता है। तो अगर हम लोग निफ्टी के देखें तो निफ्टी ने एक दिन में 11,780 का प्लस जा करके, और सेम डे इसने लो बनाया, करीब इसने
400 पॉइंट का इसने डाउनफॉल दिया, 3,8400 के डाउनफॉल दिया। लेकिन क्योंकि वहाँ पे 329 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो कि टूटा नहीं उस दिन, और निफ्टी ने वापस रिवर्स मारा, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में 11,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, 510 520 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है निफ्टी 50 में, क्योंकि वहाँ पर आपका सेलिंग प्रेशर आ रहा है 11,550 के आसपास। तो अगर किसी को भी बाई करनी है तो आप 11,300 अगर वापस से आपको दिखता है तो वहाँ पर आपको बाई करनी है। अगर क्लोजिंग दे रहता है निफ्टी 50 11,300 या 290-280 के आसपास में, तो ये बिल्कुल 200-250 पॉइंट और नीचे जा सकता है। अगला सपोर्ट निफ्टी का सीधा बनता है, अगर हम लोग अगर चार्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, एक बार हम लोग सपोर्ट अगर देख लेते हैं 4 4 आवर्स के अकॉर्डिंगली, तो निफ्टी 50 का अगला सपोर्ट हमें लगता है कि 11,000 11,110-20 के आसपास में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी 50 बना लिया है यहाँ। अगर ये भी लेवल अगर 11,120 को अगर तोड़ देता है तो अगला सीधा सपोर्ट आपको मिलेगा 10,900 के आसपास में मिलेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना है, अगर आप लोग के पास कैश नहीं है, अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं तो डेफिनेटली आप लोग को कैश इन हैंड में रखना है, क्योंकि सबसे पहली वैली पॉइंट ये हो गई कि एक तो मार्केट डाउन, मार्केट अप जा रहा है, जीडीपी डाउन हो गया है, सिर्फ और सिर्फ एफआईआई की लिक्विडिटी के और इन द मनी इन द इंडियन मार्केट की वजह से ही मार्केट हाई जा रहा है। तो अगर आप लोग इंडिविजुअल बहुत ही नॉर्मल अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो आप लोग को बिल्कुल अभी शेयर मार्केट से दूर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये दो चीज़ होता है, दोनों का अगर लेवल तोड़ जा टूट जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अपसाइड भी दे सकता है, डाउनफॉल भी दे सकता है। लेकिन अभी आपको एक बॉक्स में, एक रेंज में आपको बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं मार्केट को लेकर के, क्योंकि यूएस में अभी इलेक्शन होगा, वहाँ भी हंगामा होगा काफ़ी सारा मार्केट को लेकर के, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा सबको कि वहाँ का इकनॉमी बहुत गंदा है, बहुत ही ख़राब है, तो डेफिनेटली हमें लगता है एक बहुत ही बड़ा करेक्शन को हम लोग को अक्टूबर के मंथ में या सेप्टेम्बर लास्ट तक हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, पर्सनल मेरा एडवाइस है, बाकी पैसे आपके हैं, आप लोग जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें कीजिए, लेकिन पर्सनल मेरा सजेशन यही रहेगा। तो अगर हम लोग, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग डाउ फ्यूचर्स को अगर देखें, एक बार हम लोग डाउ फ्यूचर्स का चार्ट अगर देखते हैं तो आखिर डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहा है, एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखिए डाउ फ्यूचर्स का चार्ट यही कह रहा है कि अगर 28,300 अगर 28,350 का अगर ये लेवल अगर तोड़ता है, अगर ये तोड़ता है 28,300 का लेवल, अगर ये डाउ जोन्स अगर तोड़ता है तो हम लोग को एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल अगर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही अगर डाउनफॉल के अलावा अगर हम लोग अपसाइड लेवल की अगर बात करें, तो अगर 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 ये 29,200 का अगर लेवल तोड़ता है तो ये अपसाइड जाने के लिए हम लोग ऑल टाइम हाई देख सकते हैं इसमें। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली 28,700 800 900 के आसपास में काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट में। तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मार्केट 28,800 के ऊपर सस्टेन करने वाला है, और अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया 28,350 या 300 का, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा एक हम लोग को डेफिनेटली बहुत ही बड़ा हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। अगर ये डाउ फ्यूचर्स ने, डाउ जोन्स ने अगर ये 28,300 का लेवल अगर तोड़ दिया तो एक बहुत ही बड़ा हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं, अप्रोक्स 400 से 500 पॉइंट का हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं। और अगर वहाँ पे फॉलो अगर होगा तो डेफिनेट सी बात है कि इंडियन मार्केट में भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको हर चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी रहना पड़ेगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आज AGR का भी रिजल्ट आया जिसके कारण बैंक निफ्टी आज काफ़ी म्यूट रहा, और जो भी हलचल हुई है बैंक निफ्टी में वो 11:30 12:00 1 बजे के आसपास में आई है, तो जिसको जिस किसी को भी अगर काम करना है तो डेफिनेटली प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, बिना स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल भी काम ना करें। कोई भी स्ट्रैटेजी अपनानी है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को समझ लें, आँख बंद करके कभी मार्केट में पैसा ना लगाएं। मार्केट में करेक्शन आने के लिए बिल्कुल रेडी रहें, मार्केट इनकेस करेक्शन आता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ऊपर में याद रखिएगा, ऊपर में कभी मत खरीदिएगा, क्योंकि ऊपर में आपको सेलिंग प्रेशर काफ़ी सारा, हमने लेवल अभी आपको वीडियो में बताया कि कहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं, अगर किसी भी अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप लोग को डेफिनेटली बहुत ही सचेत रहना है, बहुत ही सतर्क रहना है मार्केट में। अभी अब सेबी ने काफ़ी सारे नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए हैं जिसके कारण काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर को दिक्कत हुई है,
और इसके कारण देखते हैं अब से भी क्या नया नियम लेता, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसके लेवल की बात करें डॉ फ्यूचर्स की, तो डेफिनेटली ये अगर इसने क्लोजिंग दे दिया 28,300 280 के आसपास, तो ये बड़ा डाउनफॉल देख सकता है मार्केट में हम लोग को। तो आप लोग को हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 24% के माइनस में भी, चल लोग GDP हम लोग 24% गिर चुका है, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा। और अगर हम लोग रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस का एक बहुत ही अच्छा चार्ट तो बना है, लेकिन रिलायंस ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है अभी। रिलायंस का ब्रेकआउट लेवल बन नहीं रहा है। अगर किसी को भी बाई करनी है रिलायंस में, तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि 2075 पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है रिलायंस का, फिर 2000 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर किसी को भी बाई करनी है, तो विथ आप लोग 2075 पे बाई कर सकते हैं। विद द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ 2148 के आसपास में आपको सेल करनी है वहाँ पर, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 47 48 जाकर के रिलायंस वापस रिटर्न हो जा रहा है, क्योंकि रिलायंस में अगर क्लोजिंग चाहिए हमें 2190 2100, हमें रिलायंस में चाहिए 2195 का। अगर जिस दिन रिलायंस ने क्लोजिंग दे दिया, तो ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका। लेकिन 2190 के आसपास में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप लोगों को दो टारगेट रखे हैं, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा रिलायंस पे कि आप लोग बाई कीजिए 2075 2080 के आसपास बाई कीजिए। और अगर ये डिप्स लगाता है, तो और कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए विद द वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ 2147 2147 पे आपको कुछ क्वान्टिटी बुक करनी है प्रॉफिट। क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिलायंस काफ़ी दिनों से मूवमेंट नहीं दे रहा है, ये एक बॉक्स के अंदर ही बंद है। ये काफ़ी पूरे इसने अप्रोक्स 20 25 डेज में ये एक सर्किल में, एक बॉक्स में ही घूम रहा है, ये मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो किसी को भी बाई करने, जो अभी हमने लेवल बताया वो बाई कीजिए। बाकी अगर आप लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो मार्केट को अभी वॉच कीजिए जा रहे हैं। अब लोग अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं, न्यू अगर आए हैं, तो बिल्कुल भी अभी नहीं बाई कीजिए। आप लोग पर्सनल एडवाइस मेरा यही रहेगा, बाकी पैसे आप लोग की, आप लोग जो करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी को भी बाई करनी है रिलायंस में, तो जो भी हमने लेवल बताया वो बाई कीजिए। और बाकी कोई भी इशू हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक जुड़े रहिए चैनल टाइम एक्सपोनी से, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और, कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरी मदद कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। तब तक जुड़े रहिए टाइम एक्सपोनी से, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।